अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा और शहदा की तकरीब, निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काफ़र की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। कहा कि 6 सितम्बर का दिन मुसल्ला अफवाज की जुर्रत और कुर्बानी की भी मिसाल जज्बे की अक्कास है। शहदा ने मुल्क के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शहदा हमारे माथे का झूमर, शहदा के खानदानों के मकरूर। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली के बुरवकार तकरीब, एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार क़ायद पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा खानी की। मज़ार इकबाल पर भी तकरीब, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। यौम दिफा और शहदा पर GHQ और आर्मी फॉर्मेशंस में तकरीबात, शहदा की यादगार पर फातिहा खानी की गई, फूल रखे गए। GHQ में मरकजी तकरीब, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवेल्यूशन में यादगार शहदा पर फूल रखे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का शहदा को खराज अकीदत। कहा कि गयूर कौम सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बाज़ अनासिर ने आवाम और फौज के मुकदम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की, अफवाज ने तहम्मुल और समझदारी से मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया। पाक फौज आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुजीर है। बाहमी तआवुन से पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की की राह पर गामसन होगा। पाक फौज दुश्मन के किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। 1965 की जंग में अफवाज ने दुश्मन को जुरत से नाकाम बनाया। शहदा का तकद्दस और एहतराम हमारी अहम सिखा। 6 सितंबर मादरे वतन के हुजूर बेटों की अजमत को सलाम पेश करने का दिन, शहर शहर शहदा को खराज अकीदत पेश। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की मजार पर तकरीब, पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। थालिया में मेजर अजीज भुट्टी के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर भी फूल रखे गए। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शहीद खान के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलाम की। याम दिफा और शहदा नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर तकरीब, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खान। हुकूमत का स्मगलिंग के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान, सरकारी अहलकारों की सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही हो गई। मुकम्मल फहरिस्तें तैयार, ज़मीनी समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड होगा। सामान करेंसी की गैर कानूनी नकल व हरकत की इजाज़त नहीं होगी। मुआशी तज़ियाकारों ने इकदाम को अहम करार देते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से मुल्क में माली बद इंतज़ामी कम की गई। चित्राल में पाक अफगान सरहद के करीब जदीद हथियारों से लैस दहशत गर्दों का 2 पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमला, फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी, 4 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जान शहादत पहुँच दिया। ISPR ने कहा कि तवक्को है कि उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल चुके। अब तक ये बिजली की चोरी खत्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। बिजली चोरी खत्म होने तक सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, निगरान हुकूमत ने वादा कर दिया। वजीर तवनाई मोहम्मद अली ने कहा, मुल्क में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। एजेंसीज की मदद से चोरी में मदद करने वाले ऑफिसर्स की फहरिस्तें बना ली, इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद हटा देंगे। चोरी वाले इलाकों में मुकम्मल क्रैक डाउन होगा, खसूसी अदालतों से बिजली चोरी को सजाएं होंगी। वजीर इत्तला'आत मुर्तजा सोलंगी बोले कि बिजली की कीमतों पर आवाम का एहतजाज जायज़ है, आवाम की परेशानियों का हल निकालना। अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, ओपन मार्केट में 11 रुपए की बड़ी कमी, कीमत 312 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 306 रुपए 98 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान,
100 इंडेक्स में 316 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 10,500 रुपए सस्ता, कीमत 2,22,000। वफाकी हुकूमत IT बरामदात बढ़ाने के लिए पुरअज़म। निगरान वज़ीर आज़म को IT और टेलीकॉम के शोबे पर ब्रीफिंग। अनवारुल्लाह काकर ने कहा कि IT बरामदात बढ़ाने के लिए जामे लाहे अमल पेश करें। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर तमाम अहदाफ पूरे किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म से हवावे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी मुलाकात। स्टेट बैंक का बी कैटेगरी की फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज खत्म करने का फैसला। कंपनीज को एक कैटेगरी में मुंतकिल करने के लिए 3 माह की मोहलत। बैंक्स को अपनी मलकियती फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज कायम करने की भी इजाज़त। एक्सचेंज कंपनी में सरमाया 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ का मुकर। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की लाहौर के ताजर बरदरी और मुआशी माहरीन से अहम मुलाकात। ज़रात, लाइफ स्टॉक, IT, मदनियात और तवानाई में सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। काउंसिल ने सरमायाकारों को हर तरह की हिमायत और सहूलत तैयार की। कराची के ताजरों को ही महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। कहा कि चीनी की कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। मुल्क में गंदम की पैदावार बहुत है। आर्मी चीफ से मुलाकात में इकतसादी सूरत हाल पर बात हुई। मुलाकात के बाद थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कस्टम हुकाम स्मगलिंग रोकने के लिए किरदार अदा करें। मजार कायद पर यौम दिफा और शहदा के हवाले से तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तखार और DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने हाजिरी दी। आर्मी चीफ की जानब से फूल रखे और फातिहा पढ़े। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी। कराची में चीनी 9 रुपये फी किलो सस्ती, कीमत 175 रुपये हो गई। पेशावर में चीनी की कीमत में 10 रुपये कमी आ गई। फी किलो कीमत 190 रुपये है। तहरीक इंसाफ का 90 रोज़ में मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने पर जोर। तर्जुमान PTI ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद आइन का लाजमी तकाजा है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास आइन की पामाली का कोई अख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का तायिन है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकार अली खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल, भूलिए नहीं। आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं। इससे पहले कि आप भूल जाएं, TV बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge.
The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1-909-5762-982. سرمایه کارونه بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولای شي. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولای شي او غوره نتیجه حاصلولی شي. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي، ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایو متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونو او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولنو غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامنګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چا ته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ AMEDFS.com یا کال TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV ki fakhriya peshkash duniya bhar mein abad pakistaniyon ki tarakki aur kamrani par mabni program pakistan ko tarakki ki raah par gamzan karne ke liye duniya bhar mein pakistani mutaharrik aur taiyar duniya bhar ke mulkon mein pakistani ka unki tarakki mein hissa dekhiye बैनुल अक्वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार